हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं लीचिंग की, जो थर्ड ईयर के पाँचवें सेमेस्टर में है। लीचिंग वह यूनिट ऑपरेशन जिसमें हम किसी सॉलिड मटेरियल से सॉल्यूट को सॉल्वेंट की सहायता से रिमूव करते हैं तो लीचिंग कहते हैं। लीचिंग वह यूनिट ऑपरेशन जिसमें हम किसी सॉलिड मटेरियल से सॉल्यूट को सॉल्वेंट की सहायता से रिमूव करते हैं तो इसे लीचिंग कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लीचिंग, मतलब कि लीचिंग के क्या अनुप्रयोग हैं। तो फर्स्ट है फॉस्फेट रॉक से लीचिंग फॉस्फेट बनाने में। सेकेंड पॉइंट, ऑयल सीड से ऑयल को निकालने में। थर्ड है कॉफ़ी बीन से कैफीन को निकालने में। फोर्थ है विभिन्न औषधियों पौधों से आवश्यक तेलों को निकालने में। अब हम बात करते हैं लीचिंग इक्विपमेंट की। तो लीचिंग इक्विपमेंट मेनली हमें टू टाइप के पढ़ने हैं। नंबर वन स्टडी स्टेट, नंबर दो अनस्टडी स्टेट इक्विपमेंट। इसमें बॉल माइन स्ट्रक्चर, रोटो सेल स्ट्रक्चर, थिकनेस। और अनस्टडी में पढ़ना है परकोलेशन टैंक्स, सैंक सिस्टम, पचुका टैंक्स, एजिटेटेड वेसल। तो ये हमारे सिलेबस में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम पहले देखते हैं बॉल माइन एक्सट्रैक्टर। बॉल माइन एक्सट्रैक्टर, ये हमारा डायग्राम बॉल माइन एक्सट्रैक्टर का है। इसमें बकेट लगी होती हैं, ये बकेट होती हैं। इसमें फीड को इंटर किया जाता है, ये सॉल्वेंट टैंक होता है, यहाँ से सॉल्वेंट आता है बकेट में। ये चेन कन्वेयर लगा होता है, चेन कन्वेयर से बकेट मूव करती हैं, जिससे हाफ मिसेला बनता है, इसको पुनः टैंक में भेजा जाता है। तो चलिए देखते हैं बॉल माइन एक्सट्रैक्टर। बॉल माइन एक्सट्रैक्टर को बास्केट एक्सट्रैक्टर भी कहा जाता है। बास्केट एक्सट्रैक्टर एक सॉलिड लिक्विड सेपरेशन का इक्विपमेंट है, जिसमें सॉल्वेंट की सहायता से सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, बॉल माइन टाइप एक्सट्रैक्टर एक वर्टिकल चैम्बर से घिरा होता है। बॉल माइन टाइप एक्सट्रैक्टर एक वर्टिकल चैम्बर से घिरा होता है, जिसमें नंबर ऑफ बास्केट लगे होते हैं, जिसका नीचे वाला भाग परफोरेटेड होता है। बॉल माइन टाइप एक्सट्रैक्टर एक वर्टिकल चैम्बर से घिरा होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्लेट लगे होते हैं, जिसका नीचे वाला भाग परफोरेटेड होता है। यह एक चेन कन्वेयर द्वारा बास्केट एक वाल से जुड़े होते हैं। इसमें सॉल्वेंट को ऐड करने के लिए एक टैंक होता है। इसमें ड्राई सॉलिड को फीड करने के लिए हॉपर लगा होता है। एक चेन कन्वेयर द्वारा बास्केट एक वाल से जुड़े होते हैं। इसमें सॉल्वेंट को ऐड करने के लिए एक टैंक होता है। इसमें ड्राई सॉलिड को फीड करने के लिए हॉपर लगा होता है। वर्किंग, जब चैम्बर के टॉप में लगे हॉपर से ड्राई सॉलिड को फीड करते हैं तो सॉलिड परफोरेटेड बास्केट में चेन कन्वेयर द्वारा मूव करते हैं। जैसे ही बास्केट थोड़ा नीचे जाता है तो टॉप से ऑयल एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर, जिसे हॉप मिसेला कहते हैं, जब चैम्बर के टॉप में लगे हॉपर से ड्राई सॉलिड को फीड करते हैं तो सॉलिड परफोरेटेड बास्केट में चेन कन्वेयर द्वारा मूव करते हैं। जैसे ही बास्केट थोड़ा नीचे जाते हैं तो टॉप से ऑयल एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर, जिसे हॉप मिसेला कहते हैं,
पंप के द्वारा बास्केट में स्प्रे किया जाता है, जिसे लिक्विड सॉलिड थ्रो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद बास्केट में प्योर सॉल्वेंट को मिलाया जाता है और उसके बाद हमें ऑयल का फाइनल स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, जिसे हम मिसेला कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। हॉप मिसेला प्राप्त हो जाता है। तथा जो हमें हॉप मिसेला के रूप में प्राप्त होता है, उसे पंप की सहायता से हॉप मिसेला टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे बास्केट में स्प्रे कराया जाता है। अब सेकेंड इक्विपमेंट है रोटो सेल एक्सट्रैक्टर। ये डायग्राम है इसका, ये इसका डायग्राम फ्रंट व्यू से ऐसा दिखता है और टॉप व्यू से ये दिखता है। इसमें कंप्रेसर लगे होते हैं, तो चलिए देखते हैं। इस एक्सट्रैक्टर में छोटे सिलेंड्रिकल सेल होते हैं जो अपने अक्ष पर वर्टिकल स्थित में रहते हैं। इस सिलेंडर को वेपल टाइट हाउसिंग में छोटे छोटे वेज शेप में डिवाइड करके रखा जाता है तथा इसके बॉटम को परफोरेटेड रखा जाता है। इस एक्सट्रैक्टर में छोटे सिलेंड्रिकल सेल होते हैं जो अपने अक्ष पर वर्टिकल स्थित में रहते हैं। इस सिलेंड्रिकल को वेपर टाइट हाउसिंग में छोटे छोटे वेज शेप में डिवाइड करके रखा जाता है तथा इसके बॉटम को परफोरेटेड रखा जाता है। रोटर धीरे धीरे घूमता है और वह फीड के संपर्क में आकर सॉलिड तथा सॉल्वेंट दोनों को आपस में लेकर मिक्स कर लेता है। जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्यूशन होता है, इसे डिस्चार्ज कर लिया जाता है। डिस्चार्ज के लिए बॉटम में पंप लगा रहता है। डिस्चार्ज के लिए बॉटम में पंप लगा रहता है। डिस्चार्ज के लिए बॉटम में पंप लगा रहता है। सॉलिड तथा सॉल्वेंट दोनों को आपस में लेकर मिक्स कर लिया जाता है। मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। डिस्चार्ज के लिए बॉटम में पंप लगा रहता है। मिक्सचर को निकाल कर पुनः एक्सट्रैक्टर में फीड करके इसे प्रॉपरली मिक्सचर बन जाता है तथा इसमें प्रत्येक कंपोनेंट के नीचे स्क्रीन लगी रहती है, जिससे सॉलिड मटेरियल का एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में प्रवेश ना कर सके। फिगर बी के अनुसार फीड को हम कंप्रेसर वन में देते हैं तथा सॉल्वेंट को कंप्रेसर सिक्स में देते हैं। कंप्रेशन कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। कंप्रेशन सिक्स में लगभग एक्सहॉस्ट फीड आती है, अतः इस कारण कंप्रेशन सिक्स से प्राप्त सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। कंप्रेशन सेवन में कोई सॉल्वेंट नहीं देते हैं। कंप्रेशन फीड को हम कंप्रेशन वन में देते हैं तथा सॉल्वेंट को कंप्रेशन सिक्स में देते हैं। कंप्रेशन कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। कंप्रेसर सिक्स में लगभग एक्सहॉस्ट फीड आती है, अतः इस कारण कंप्रेसर सिक्स से प्राप्त सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। कंप्रेसर सेवन में कोई सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है। बॉटम के टैंक में कंप्रेसर सिक्स एंड सेवन से गिरा सॉल्यूशन होता है जो डाइल्यूट होता है। कंप्रेसर से डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टेज पंप की हेल्प से कंप्रेसर फाइव के टॉप से स्प्रे करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद
कंप्रेसर 5 से प्राप्त सॉल्यूशन को कंप्रेसर 4 में स्प्रे कराते हैं। इसी प्रकार कंप्रेसर 3 तक आते हैं। कंप्रेसर 3 से प्राप्त सॉल्यूशन का अधिकांश भाग कंप्रेसर 2 में तथा छोटा सा पार्ट कन्वे थ्रो कंप्रेसर 1 में देते हैं। क्योंकि कंप्रेसर 1 में सॉल्वेंट इसलिए देते हैं कि फीड का रास्ता जाम ना हो, तथा कंप्रेसर 1 में जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसमें डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, अतः कंप्रेसर 1 से सॉल्यूशन कंप्रेसर 2 में हो ट्रू में ले जाते हैं, तथा कंप्रेसर 2 से प्राप्त सॉल्यूशन मिसेला हाईली कंसंट्रेटेड होता है उसे प्रोडक्ट के रूप में निकाल लेते हैं। कंप्रेसर 7 में फीड एक्सआउट हो जाता है, अतः जब यह कंप्रेसर 8 की पोजीशन पर आता है तो ऑटोमेटिक यह कंप्रेसर ओपन होकर रेफिनेट को गिरा देता है, तथा पुनः कंप्रेसर 1 के पोजीशन पर पहुंचने से पहले अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। प्राप्त प्रोडक्ट को फर्दर सेपरेशन के लिए भेज देते हैं। थर्ड है हमारा परकुलेशन टैंक। जब लीचिंग के लिए छोटे टैंकों की आवश्यकता होती है तो परकुलेशन टैंक का यूज किया जाता है। ये टैंक मेटल या वुड के बने होते हैं, या एक रिसाव टैंक होता है, या एक कंक्रीट से भी बना हो सकता है, और सीसा या बिटुमिनस मैस्टिक के साथ पंक्तिबद्ध होता है। छोटे टैंकों में लीज्ड सॉलिड आउटलेट करने के लिए बॉटम दरवाजे दिए जाते हैं, जबकि बड़े टैंकों को टॉप से खुदाई करके खाली किया जाता है। जो छोटे टैंक हैं उनमें दरवाजे होते हैं, और जो बड़े टैंक होते हैं उनमें ऊपर से खुदाई करके निकाला जाता है। टैंकों को समान आकार के कड़ों से भरना हमेशा बेटर होता है, ताकि रिक्तियाँ अधिक हों और लीचिंग लिक्विड के फ्लो के लिए आवश्यक दबाव कम से कम हो। इससे अलग अलग कड़ों की एक समान लीचिंग भी होती है। इस प्रोसेस में सॉलिड को प्रारंभ में टैंक से भरा जाता है और फिर सॉल्वेंट को इंटर किया जाता है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। ये हमारा डायग्राम है परकुलेशन टैंक का। ये हमारे सॉलिड हैं। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।